हाँ प्रिय विद्यार्थियों, मेरे YouTube चैनल एग्री ग्रुप आर के पर आपका स्वागत है। देखो विद्यार्थियों, ये आपका अपना चैनल है, इसलिए इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करो। तो आज अपना टॉपिक है खाद एवं उर्वरक। क्या टॉपिक है? खाद एवं उर्वरक। तो सबसे पहले हम खाद एवं उर्वरक की परिभाषा पढ़ेंगे। देखो एग्रीकल्चर में, कृषि में खाद या उर्वरक की परिभाषा क्या है? वे पदार्थ जिनको मिट्टी में डालने से मिट्टी के पोषक तत्वों की पूर्ति होती है, उसे खाद या उर्वरक कहते हैं। अर्थात मिट्टी के अंदर जो पदार्थ डालते हैं, यदि मिट्टी को उनसे पोषक तत्व प्राप्त होते हैं तो उनको हम खाद या उर्वरक कहते हैं। अब आगे प्रश्न ये है कि इनकी मिट्टी को आवश्यकता क्यों पड़ती है, अर्थात खाद या उर्वरक की मिट्टी को आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो इसमें क्या लिखोगे कि भाई बार बार फसल बोने से मिट्टी के पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, अर्थात मिट्टी में पोषक तत्व कम हो जाते हैं और उन पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए हमें मिट्टी में खाद या उर्वरक की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात खाद या उर्वरक डालना पड़ता है। अब देखो एग्रीकल्चर में खाद और उर्वरक में अंतर है। अब अगला प्रश्न यह है कि भाई खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? तो देखो खाद है कि जो किसान अपने घर पर खेतों में तैयार करता है, उसको बोलते हैं FYM, यानी कि फार्म यार्ड मैनर, घर पर तैयार की ही खाद। तो खाद की परिभाषा क्या है कि जो किसान घर पर ही कार्बनिक तरीके से तैयार करता है, और उर्वरक जो कारखाने में तैयार होता है। तो पहला अंतर क्या लिखोगे? खाद किसान घर पर तैयार करता है लेकिन उर्वरक कारखानों में तैयार होते हैं। दूसरा अंतर है कि भाई उर्वरकों से कुछ यानी कि लिमिट में ही पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं, लेकिन खाद से हमें काफ़ी मात्रा में पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं। उसके अंदर भाई मुख्य पोषक तत्व तो भी है, गौण पोषक तत्व तो भी, और उर्वरक से कुछ ही पोषक तत्व तो प्राप्त होते हैं। जैसे यूरिया है, यूरिया से हमें केवल NPK अर्थात नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम प्राप्त होते हैं। और एक है डीएपी की फुल फॉर्म क्या होती है? डाई अमोनियम फास्फेट, उससे हमें फास्फोरस की मात्रा प्राप्त होती है। अर्थात उर्वरकों से कुछ ही पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, लेकिन खाद से हमें काफी मात्रा में पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, अर्थात मुख्य और गौण पोषक तत्व में प्राप्त होते रहते हैं। दूसरा, खाद कई वर्षों तक भूमि में कार्य करता है, उर्वरक केवल एक ही फसल पर अपना प्रभाव डालते हैं, एक ही फसल को प्रभावित करते हैं, अर्थात उसकी उर्वरक शक्ति बढ़ाते हैं। हाँ, खाद अपना प्रभाव कई महीनों में दिखाता है, लेकिन उर्वरक अपना प्रभाव तुरंत दिखाते हैं। अर्थात हमें यदि खेती की कार्बनिक शक्ति बढ़ानी है तो हमें खादों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, अर्थात कार्बनिक जैविक खादों का प्रयोग ज्यादा करना चाहिए, उर्वरक कम से कम प्रयोग करने चाहिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज तुमने खाद या उर्वरक, अर्थात खाद और उर्वरक में क्या अंतर है और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, इस टॉपिक को दोहराना है। धन्यवाद।